आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। इस वक्त की बड़ी खबर महुआ से सामने आई है, जहां कोतवाली इलाके के सुभाष नगर मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दर्दनाक हादसे में मकान मालिक के 13 वर्षीय बेटे की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर SDM पहुंचे। हालांकि आपको बता दें कि घटना में सभी घायलों को रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाल लिया गया है और महिला समेत 3 अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुभाष नगर मोहल्ले में रहने वाले कामता प्रसाद वर्मा के पुराने मकान में निर्माण का काम चल रहा था, जिसमें उनका 13 वर्षीय नाती अनुपम वर्मा निर्माण कार्य देखने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान जर्जर मकान का क्षतिग्रस्त लेंटर भरभरा कर जमीन पर गिर गया और दर्दनाक हादसे में अनुपम वर्मा की मौत हो गई, जबकि पिता राजेंद्र समेत महिला मजदूर कौशल्या की हालत बेहद नाजुक और बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो वहीं 13 वर्षीय किशोर की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस पूरी घटना पर उपजिलाधिकारी जितेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बीजानगर में दाल मिल के पास एक गली में पुराने मकान की जगह नया बनाया जा रहा था, तो वहीं उस रोड लिंटर बना था जो लोहे के रॉड पे था, तो गाटर के साथ पूरी छत नीचे आ गई, उसके नीचे दब के 4 लोग घायल हो गए, तो एक को जो लाया गया अनुपम, बाप का नाम राजेंद्र, 13 वर्ष की उम्र, मृत्यु हो गई है। बाकी 3 लोग यहाँ हैं, उसमें भी एक आदमी सीरियस है जिसको झांसी भेजा जा रहा है। जैसे ही पता चला, सबसे पहले हम लोग पहुँचे, फिर JCB और नगर पालिका के कर्मियों को बुलाया, उसके आने से पहले ही हम लोगों ने निकाल ली और उन्हें अपनी ही गाड़ी में मैंने भेजा अस्पताल, लेकिन वो एक तो डेथ हो गया है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। बता दें कि मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी ने बताया कि विजयनगर में पुराने मकान को उस पर नया बनाने का काम किया जा रहा था, जिसकी छत अचानक से गिर गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं, जिसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल सभी को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।